नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी चीजों के बारे में जिन पे अब मैं व्यर्थ पैसा नहीं बर्बाद करती या खरीदती ही नहीं। ये बदलाव ने मेरे जीवन को सरल बना दिया है और इससे मेरी बचत भी काफी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, फैशन ट्रेंड के कपड़े। पहले मैं जो भी नया फैशन आता था उसके नए कपड़े, अरे इसमें इस सीजन में ये आ रहा है, इस सीजन में वो आ रहा है, ये कलर साड़ी का बहुत अच्छा है, तो इस पे मैं पैसे खर्चती थी और बिना बात के खर्चती थी क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम हम इतने कपड़े यूज़ ही नहीं करते। दूसरा, इम्पल्स बाइंग। पहले मैं बिना सोचे समझे बहुत सारी चीज़ें खरीद लेती थी। अब मैं खरीदने से पहले दो बार सोचती हूँ और एक लिस्ट बनाती हूँ और तब जाके शॉपिंग करती हूँ। तीसरी, प्लास्टिक की बोतलें। अब मैं हमेशा अपने साथ एक स्टील की बोतल रखती हूँ, बाजार से बिस्लरी की बोतल नहीं खरीदती हूँ और घर में भी मैंने सिर्फ अब कांच की बोतलें रखी हैं। चौथा, पेपर टॉवल्स। पहले मुझे लगता था हर चीज़ के लिए डाइनिंग टेबल पे पेपर टॉवल होने चाहिए, हमेशा पेपर टॉवल्स यूज़ करने चाहिए। अब मैं पुराने कपड़े जो हो जाते हैं उनको धो धा के अपने उन्हीं को सिल के उसको एज अ नैपकिन यूज़ करती हूँ और डाइनिंग टेबल के लिए अलग नैपकिन यूज़ करती हूँ। एक और चीज़ जो मैं नहीं करती, अब पाँचवीं चीज़, वो है अब मैं सस्ती ज्वेलरी नहीं खरीदती। जाके कुछ भी जो लेटेस्ट ट्रेंड है या आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि हम वो यूज़ ही नहीं कर पाते। अगर किसी शादी में जाते हैं तो हम रियल यूज ज्वेलरी यूज़ करते हैं। आई डोंट डू दैट। एक और चीज़, एक्सेसिव होम डेकोर अब मैं नहीं खरीदती। ये कैंडल खरीद लिया, ये डेकोरेशन पीस खरीद लिया, क्योंकि घर जितने हैं, जितना कम सामान होता है उतना ज़्यादा अच्छा मैनेज करना होता है। और इसलिए हम बिना बात के जो इतने सारे आर्टिफैक्ट्स खरीदते हैं, और मैं तो बहुत खरीदती थी, उसमें सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, उसको मेंटेन करने में आपका टाइम भी बहुत लगता है। एक और चीज़ अब जो मैं बिल्कुल नहीं खरीदती वो है, मैं कॉफ़ी शॉप्स पे नहीं जाती अब। कि स्टारबक्स में गए और 200-250 रुपए की कॉफ़ी पी ली, मुझे नहीं लगता उसकी कॉफ़ी में और घर की कॉफ़ी में कोई खास फर्क होता है। पहले तो उसमें चीनी इतनी ज़्यादा होती है, बट यू शुड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ शुगर। आई डोंट स्पेंड मनी अननेसेसरली गोइंग इन कैफेज। पहले ये होता था कि जब हमको पहले किसी ने ये करा, किसी ने वो करा, लोगों की देखा देखी में हम बहुत चीज़ें करते थे। मुझे लगता है जैसे जैसे हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे हम अपने अंदर जिसको कहते हैं ना भर जाते हैं, उससे हम अब दूसरों के कॉम्पिटिशन में नहीं रहते। हम वही करना शुरू करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हम पसंद करते हैं। एक और चीज़ जो अब मैं नहीं करती या नहीं खरीदती वो है, मैं कोई भी यूज़लेस गिफ्ट्स नहीं लेती लोगों के लिए। पहले मैं बहुत इंटरनेशनली ट्रैवल करती थी तो मेरी एक लिस्ट होती थी कि मैं इन सब लोगों के लिए गिफ्ट ले लूँ, या पहले पूछती थी आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो मैं लिस्टें बनवाती थी लोगों से और लिस्टें बनवा के उनसे गिफ्ट उनके लिए पहले खरीदती थी, अपने बाद में लेती थी। अब आफ्टर कोविड, पहले तो जो बैगेज अलाउंस है एयरलाइंस में वो 23 से 25 किलो से ज़्यादा होता ही नहीं है, और 25 किलो में 5 किलो तो सूटकेस का ही चला गया। तो अब मैं लोगों से ये नहीं पूछती कि आपको क्या चाहिए, मैं अपनी तरफ से जो उनके लिए एक छोटा सा सोविनियर लेके आना चाहती हूँ वो मैं खरीद लेती हूँ, और उसके अलावा मेरी जो मुझे ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो मैं खरीदती हूँ। एक और चीज़ जो मैंने करनी शुरू की है वो ये है कि मैं अननेसेसरीली लोगों को गिफ्ट्स खरीदने में पैसे नहीं बर्बाद करती। मुझे कई बार लगता है भगवान की इतनी कृपा है, सबके घर में सबके पास सब कुछ है। जब लोगों के पास सब कुछ है जो उनको चाहिए, तो उसके लिए हमें और पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। तो कई बार मेरे घर में कोई अच्छी डिश बनाई है मैं वो ले जाऊँगी, कभी कभी मैं फ्रूट्स लेके जाऊँगी, कभी कभी मुझे अपने घर के जो प्लांट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं गार्डनर को कह के उसका एक और पौधा बना के एक अच्छे से पॉट में वो लेके जाऊँगी। अब मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं वो चीज़ें दूँ जो लोग इन्जॉय कर सकें, वो ना दूँ जो ये दिखाए कि भैया देखो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ। उस सिनेरियो में और उस स्पेस में अब मैं नहीं हूँ। एक और चीज़ जो अब मैं नहीं, जिस पे अपने पैसे खर्चती, वो है प्लास्टिक बैग्स पे। मैंने छोटे और बड़े साइज़ के हर साइज़ के क्लॉथ बैग्स बनवाए हैं। जब भी मैं बाहर जाती हूँ या मैंने टिफ़न पैक करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं प्लास्टिक में नहीं रैप करूँगी उसको, नैपकिन में नहीं रैप करूँगी, मेरे कपड़े के जो बैग नैपकिन्स मैं बनाती हूँ उसमें रैप करूँगी, और अगर मुझे टिफ़न किसी बैग में देना है तो प्लास्टिक बैग ना यूज़ करके जो मैंने डिफरेंट साइज़ के बैग्स बनाए हैं उसमें मैं टिफ़न डाल के दूँगी। इन सब चीज़ों को करने में मैंने एक चीज़ देखी है,
सबसे बड़ी बात वो तो ये है कि हम अपने पैसे बचाते हैं, हम कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, हम कितनी टाइम एनर्जी लगा के अब कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके मेहनत से पैसा कमाते हैं, उस पैसे को मैं किसी अच्छी चीज़ में यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैंने कहीं पे 10 रुपये बचाए हैं या 20 रुपये बचाए हैं या 50 रुपये बचाए हैं, मैं उसको सेव करके अपने फ्यूचर के बारे में, कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसमें यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं वो नहीं करना चाहती, मैं मेरे घर के दरवाजे पे कर कोई हेल्प किस मेरे से मांगने आया है तो मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ उस चीज़ में। और एक चीज़ जो मुझे लगता है अब समझ में आने लगी है थोड़ी थोड़ी, कई साल तक तो ये बात समझ में नहीं आई कि हमारे से जो बाहर की चीज़ें हैं वो हमें खुशी नहीं दे सकती। ये एक चीज़ है जो बहुत साल लगे मुझे समझने में, खुशी या हैप्पीनेस या जॉय या शांति हमारे अंदर है, हमारे बाहर नहीं है। मुझे आज की तारीख में किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत सारी चीज़ें साड़ियाँ कपड़े ज्वेलरी होम डेकोर लेके अपनी ज़िंदगी में खुशी लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुशी उन चीज़ों में है ही नहीं। जो मेरे पास है, जितना मेरे पास है उसको अच्छे से रखने में ही हम अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस कम क्रिएट कर सकते हैं, हम वेस्ट कम क्रिएट करेंगे, हम अपनी मदर अर्थ को कहीं ना कहीं उसको एक तरह से हेल्प करेंगे और एक तरह से उसको ये ग्रैटिट्यूड हम शो कर सकते हैं जब और चीज़ें खरीद खरीद के उसका बोझ ना बढ़ाएं। यही चीज़ें हमें आगे अपने बच्चों को सिखानी है। आजकल के बच्चे, घर स्कूल में कोई बच्चा आया उसने एक डोरीमोन का या फ्रोजन का एक टिफ़िन करियर खरीदा या टिफ़िन बॉक्स लिया, तो बच्चा घर आके बोलेगा मम्मी देखो उसने उसके पास वो टिफ़िन है, मुझे भी वो चाहिए। हमारे बच्चों को ये संस्कार देना, हमारे बच्चों को ये समझाना कि उस टिफ़िन करियर से आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं आएगी, उस टिफ़िन करियर एक नए टॉय से या एक नए टिफ़िन करियर से या एक नई पेंसिल से आपकी लाइफ में ज़िंदगी में खुशी नहीं आएगी। आपकी खुशी आएगी जो आपके पास है उसमें हम खुश रहना सीखें। ये चीज़ें मुझे लगता है अगर मैंने बचपन में सीखी होती तो मेरी लाइफ बहुत अलग होती। मैंने 50 प्लस की उम्र में जाके ये चीज़ें सीखी और अब मैं वो सिंपल लाइफस्टाइल को इंजॉय कर रही हूँ और ये रियलाइज़ कर रही हूँ कि एक बार अगर मैं कोई सस्ती चीज़ लेती हूँ क्योंकि मुझे क्वांटिटी की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती हूँ। कहते ना महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो 1000 चीज़ें मत लो, 10 चीज़ें लो लेकिन उनको अच्छी क्वालिटी की लो और सोचो एक राइट में। एक मैंने जैसे शुरू किया, मैंने तो एक नोटबुक में लिखना शुरू किया मुझे इसकी इतनी चीज़ें चाहिए, इसकी इतनी चीज़ें चाहिए, इसकी इतनी चीज़ें चाहिए और ये चीज़ें मैं चेंज कर सकती हूँ या इनको मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक दिन में मेरी ज़िंदगी में चेंज नहीं आया, इस चेंज को टाइम लगता है, इस चेंज को लाने में मेहनत लगती है, इस चेंज को लाने में सबसे ज़रूरी बात है अपने आप को समझने की ज़रूरत होती है। अगर हम ये करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।